हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरा प्यार भरा जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। और मेरे नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले ऋषभ को स्कूल पहुंचा देते हैं, उसके बाद अपना क्लास चल जाएंगे। जब से ऋषभ का स्कूल टाइमिंग चेंज हुआ है, तब से मेरा क्लास डेली लेट हो जाते हैं। मेरे घर से ऋषभ का स्कूल 9 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग को आने जाने में 18 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है। इतना दूर से आना जाना करते हैं। ऋषभ स्कूल कर रहा है, इसीलिए हमको भी क्लास करने का टाइम मिल जा रहा है, नहीं तो पता नहीं क्लास कर पाते कि नहीं। और कोशिश तो बहुत है कि सक्सेस हो जाए, इसलिए ट्राई कर रहे हैं। पता नहीं कब सक्सेस मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो बिना स्किप किए ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छा, तो इस तरह गाइस हम दोनों अकेले ही स्कूल जाते हैं। चाहे कोई भी सीजन हो, हम दोनों अकेले ही स्कूल जाते हैं, इसलिए कभी कभी तो तबीयत ख़राब भी हो जाता है हम दोनों का। इतना मुश्किल का सामना करके हम दोनों स्कूल जाते हैं, है ना? गुड मॉर्निंग। इतना मुश्किलों का सामना करके हम दोनों को स्कूल जाना होता है, पर क्या करें, स्कूल है, जाना तो पड़ेगा ही। कभी कभी ऋषभ के पापा घर में रहते हैं तो वही पहुंचा देते हैं। ना पिकनिक चलो। चलो हाय करो, जा रही है। जाना। और यहाँ एक फ्रेंड को कैमरा करने के लिए दिए थे, वही कैमरा कर रहा है। और ये हम लोग का बिल्डिंग है, सेकंड फ्लोर में हम लोग का क्लास होता है। यहाँ स्टूडेंट्स लोग बाहर में खड़े हुए हैं। और यहाँ पे होटल और सैलून भी है, जिस किसी को आना है होटल और सैलून में आ सकते हैं। मैम आप कुछ बोलिए। हम लोग क्लास में घुस चुके हैं, पर बोल रहा है लाओ हम कैमरा करते हैं, इसलिए कैमरा कर रहा है। देख सकते हैं आज पूरा खाली खाली है, नहीं तो हमेशा फुल ही रहता है, बैठने तक का जगह नहीं होता है। सब अपने अपने में मस्त हैं। किसी को पता ही नहीं कि कोई कैमरा कर रहा है। अभी गाइस मेरा क्लास तो छुट्टी हो गया है, लेकिन बाबू का अभी 12:30 बजे क्लास छुट्टी होगा, तो तब तक वेट करना होगा और लेते हुए जाएंगे। तो गाइस अभी ये लोटा सबको हमको साफ़ करना होगा, क्योंकि अभी पर्व पहुंचने वाला है और ये लोटा के बिना तो काम होगा ही नहीं, इसलिए लोटा सबको साफ़ कर देंगे। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, पर फिर भी साफ तो करना पड़ेगा। और क्योंकि पिकनिक जाना है कल, तो बहुत ज़्यादा खुशी लग रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, तो आज में ही लोटा साफ़ कर देते हैं ताकि मेरा काम आसान हो जाए, इसलिए आज में ही लोटा साफ़ कर देंगे। शादी के बहुत सालों बाद फिर से एंजॉय करने का टाइम मिला है, तो खुशी तो हो गई। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है लोटा, क्योंकि इस तरह प्लास्टिक के अंदर रखे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है लोटा, इसलिए हमको ज़्यादा देर तक साफ़ करना नहीं पड़ेगा। जल्दी से लोटा साफ कर देते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारा काम करना बाकी है। अगर इसी में बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर बाकी काम कब करेंगे। इकलौती बहू होने का ही फ़ायदा है कि काम भी करो ज़्यादा और प्यार भी सबसे ज़्यादा ही पाओ, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा कोई नहीं है। माँ है तो माँ ही सारा काम हैंडल कर लेती है, क्योंकि हम लोग को उतना टाइम मिलता नहीं है घर में, ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं दे पाते हैं। इतनी छोटी सी मुर्गी है, इसका क्या हो गया है देख सकते हैं फ्रेंड्स। 1, 2, 3
और इधर मुंडी में भी इसका घाव हुआ है। इसकी मम्मी नई है और दूसरी हैन है तो वो इसको बहुत काट रही है, इसका घाव सब में भी देख सकते हैं। इसका एक आंख भी फूला हुआ है और एक आंख तो ठीक है, एक आंख ठीक है ना बाबू, देखो तो एक ठो आंख ठीक है। इसका चोंच में भी इतना बड़ा वाला क्या निकल गया है, दे कुछ निकला है इसका चोंच में भी। इसका आंख एक ठो बंद हो गया है, क्या जो हुआ है। चलो इसको ढक के रख देंगे है ना, ये तो और इसको काटेगी दूसरी वाली हैन। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मुर्गी, इसका आँख में कुछ हुआ है और दूसरी मुर्गी इसको बहुत ये सब में काट काट के देखिए घाव कर दी है। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए दूसरी मुर्गी इसको काट काट के और उसको इसका घाव को बड़ा कर दे रही है। इसका एक आँख भी फूला हुआ है, खाने भी नहीं पा रही है, कुछ कुछ देख भी नहीं पा रही है एक आँख से। अभी इसको एक कोना में ढक के रख देंगे, इससे ढक देंगे। ये हैन है पूरा उसको काट रही है, इसका भी छोटा छोटा बच्चा लोग है जो देखो, ये हैन काट रही है पूरा। इधर हीरो को देख सकते हैं कैसे कंघी कर रहा है, इधर देखिए करो तो देखेंगे उतना हीरो तभी से कंघी कर रहा, कंघी हो ही नहीं रहा है बाबू का। देखो कहाँ जा रहा है अभी, ट्यूशन, और हुड़ू पिसो करने जा रहा है ना। और गाइस यहाँ देख सकते हैं हम लोग ले लिए हैं मिट्टी का बर्तन, इसमें हम लोग पीठा बनाएंगे और इसमें भोग चढ़ाने वाला पीठा। और इसमें मिट्टी का बर्तन खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था कि घर तरफ लाएगा तो ले लेंगे, अगर नहीं लाएगा तो बाज़ार से ख़रीद के लाएंगे, लेकिन बाज़ार से ख़रीद के लाएंगे तो फिर लेके कैसे आएंगे, इसी चीज़ का टेंशन हो गया था। पर अच्छा है घर लेके आया था तो हम लोग ले लिए थे। तो गाइस अभी हो गया है रात और आज का ब्लॉग बस यहीं तक है, और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, सब्सक्राइब कर लो, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, मस्त रहिए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।